स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपा अनिता और आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आईआर का सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता ही है कि ये सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स जो आने ही वाला है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले दो एपिसोड जो थे वो प्लेसेस इन न्यूज़ और इंटरनेशनल अग्रीमेंट से न्यूज़ को कवर किया है। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। अब जब हम बात करते हैं आईआर का कंपोनेंट प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है वो लार्जली इन तीन स्फीयर्स से ही आता है, प्लेसेस इन न्यूज़ से, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। काफ़ी रेयर है अगर बायलैटरल रिलेशन से पूछा भी जाता है, बट लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से वो भी पूछा गया है, बट एक दो ही क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स में ये तीन मेजर पिलर्स हैं, तो यू शुड रियली हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दीज फैक्ट्स। फैक्चुअल है, इसमें कोई भी कंसेप्ट या कोई इंटरलिंकिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। बट वट आई वुड एडवाइस, इस वीडियो को कैसे यूज़ करना, सबसे पहले तो आई कीप टेलिंग कि इस वीडियो का आप शॉर्ट नोट्स बना लो, चाहे आप खुद लिखो या इस पीपीटी को या पीडीएफ जैसे मैं कन्वर्ट करके देती हूँ उसको यूज़ करो एज अ शॉर्ट नोट्स। कहाँ पे मिलेगा ये पीपीटी या पीडीएफ? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल यू कैन फाइंड इट विथ माय नेम डॉक्टर दीपा अनिता, तो आपको टेलीग्राम चैनल में ये पीपीटी या पीडीएफ मिल जाएगा। सो यू कैन यूज़ दिस एज अ शॉर्ट नोट्स या आप खुद शॉर्ट नोट्स बना लो एज पर योर कम्फर्ट। शॉर्ट नोट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीलिम्स से पहले लास्ट 10 डेज जब आप रिवाइज करने वाले हो तो वो रिवीजन के लिए आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू वॉच 2 to 3 hours ऑफ वीडियोस। उस समय पे आपके शॉर्ट नोट्स को आप ही यू आर गोइंग टू रिवाइज, तो इसी वजह से शॉर्ट नोट्स आर क्रूशियल फॉर योर सक्सेस। शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है। दूसरी चीज़ जो मैं आई कीप टेलिंग इज दैट जब आप वीडियो को सुन रहे हो, चाहे उसी समय पे आप एक दूसरी बार सुन लो या आपने पहले एक बार स्लोली सुन लिया उसके बाद एक बार 1.5x पे सुन लिया, क्या होता है उससे कि यू विल हैव दैट मेमोरी। ठीक है, एक चीज़ को अगर दो बार सुनते हो, तीन बार सुनते हो, यू विल दैट विल स्टिक टू योर माइंड एंड विल हेल्प इन रिटेंशन। इसी वजह से एक चीज़ को बार बार बोला जाता है, एक चीज़ को बार बार रिवाइज किया जाता है। तो सिमिलरली शॉर्ट नोट्स के साथ साथ लिसन टू द वीडियो वन मोर टाइम, 1.5x में सुन लो आप, बट एक और बार सुन लेना से क्या होगा कि वो रिटेन जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू एड बिफोर आई स्टार्ट इज दैट कि ये सभी फैक्ट्स हैं। एंड लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो कोई सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इट्स लार्जली अ ट्रिकी क्वेश्चन कि ये पर्टिकुलर फंड कौन से बैंक से रिलेटेड है या ये ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा अग्रीमेंट के साथ एसोसिएशन है। बट जो भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो रिलेट करता है लास्ट ईयर जो एक साल का जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या बज में था, राइट? तो इस वीडियो में मैंने वही चीज़ें उठाई हैं, दैट इज़ जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बज में थी और क्यों थी, वाई न्यूज़ ऑल्सो मैंने डाला हुआ है, क्योंकि तभी आपको रिलेट होगा कि अच्छा इसके वजह से या कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, नए मेंबर्स आए हैं, क्या एग्जैक्टली हुआ है। सो आई हैव ऑल बेसिकली केप्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़। इस वीडियो में मैंने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है यूएन एंड इट्स फैमिली, दूसरा है दूसरे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूएन एंड इट्स फैमिली का अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मैंने पहले एक मैराथन वीडियो में ये कवर किया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो टू स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल एंड आप वहाँ पे ढूंढ सकते हो यूएन एंड इट्स फैमिली, पूरा का पूरा जो भी उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, बॉडीज हैं, इंक्लूडिंग यूएनएससी रिफॉर्म्स के बारे में मैंने उस वीडियो में कवर कर दिया है। तो यू कैन जस्ट गो, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा यूएन एंड इट्स फैमिली के बारे में, पर उस वीडियो में करंट अफेयर्स नहीं है। अभी जो मैं करने वाली हूँ वो लास्ट ईयर जो ऑर्गेनाइजेशंस बज में थे उनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, आई होप आई क्लैरिफाइड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन दिस वीडियो और मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यूएन एंड इट्स फैमिली को कवर करते हैं। पहला हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। ठीक है, यूनेस्को क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि यूएस ने प्रपोजल दिया है दैट इट वॉन्ट्स टू रीजॉइन यूनेस्को एंड इसके वजह से जो 600 मिलियन USD का पेमेंट ड्यूज़ बाकी है प्रपोज किया है कि वो पेमेंट वो क्लियर कर देंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन है, क्यों निकला था यूएस यूनेस्को से? तो यूनेस्को में एक प्रपोजल आया था कि पैलेस्टाइन को दे आर गोइंग टू गिव अ स्टेट, दे आर गोइंग टू एक्चुअली एज अ स्टेट इंक्लूड इन यूनेस्को मेंबरशिप. ठीक है, तो पैलेस्टाइन को मेंबर बनाना था. दूसरी चीज, दे हैड क्रिटिसाइज्ड इजराइल, और उस समय पे यूएस का जो प्रेसिडेंट था वो था डोनाल्ड ट्रंप. तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी वजह से, ही वॉज एन आउट राइट सपोर्टर ऑफ इसराइल, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यूनेस्को का पार्ट नहीं रहना, इट्स अ बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कह के ही विड्रॉज यूएस एज अ मेंबर फ्रॉम यूनेस्को. एंड फाइनली लास्ट ईयर जून 2023 में जो बाइडेन कहता है कि नहीं, यूएस फॉर्मली वॉन्ट्स टू रिजॉइन यूनेस्को, इसी वजह से ये न्यूज में था. सो क्वेश्चन कैन कम कि पैलेस्टाइन जो यूनेस्को का मेंबर है, क्या वो यूएन का मेंबर है? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ ही दिन पहले देयर वॉज अ वोटिंग इन द यूएन टू फॉर्मली एक्सेप्ट पैलेस्टाइन एज अ मेंबर स्टेट ऑफ यूएन, बट इट वॉज नॉट पास्ड. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ने सपोर्ट नहीं किया था एंड इट वॉज ऑल्सो वीटोड. तो यूएन का मेंबर नहीं है पैलेस्टाइन, बट यूनेस्को का मेंबर है. ठीक है, सो अगेन दीज आर द फाइनर ट्रिवियाज दैट यू शुड नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस. सो यू नो व्हाई इट वाज इन न्यूज, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है. व्हाट एग्जैक्टली डज यूनेस्को डू? इट बेसिकली प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेज, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन. तीन ट्रिविया मैंने ऐड किया, दो ट्रिविया एक्चुअली. जो तीन यूनेस्को मेंबर स्टेट्स हैं बट यूएन के मेंबर्स नहीं हैं, वो है कुक आइलैंड्स, न्यू एंड पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन पूरे लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में न्यूज में था, तो यू शुड रियली नो कि वो यूएन का मेंबर नहीं है बट यूनेस्को का मेंबर है. टू यूएन मेंबर्स जो यूनेस्को का मेंबर नहीं है, इजराइल एंड लाइकेनस्टाइन. राइट, अब इसराइल के बारे में अगर बात करें तो इसराइल इज अ यूएन मेंबर बट यूनेस्को का मेंबर नहीं है. राइट, एंड नाउ कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कि लाइशनस्टाइन कहाँ पे आपने सुना है. हिंट दे देती हूँ, EFTA. राइट, कुछ तो न्यूज़ में था, अग्रीमेंट्स एंड न्यूज़ के वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, जहाँ पे दिस कंट्री हैज़ बीन इन न्यूज़ एंड इट इज़ रिलेटेड टू EFTA. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट यूनेस्को. नेक्स्ट, की अचीवमेंट्स क्या है यूनेस्को के? तो यूनेस्को बेसिकली प्रिजर्व्स 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 168 कंट्रीज. द इनटैंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन हैज़ 177 स्टेट पार्टीज टू इट. यूनेस्कोज एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन ग्लोबल एजुकेशन. मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू असेस मीडिया लैंडस्केप्स एंड अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेजेस इन डेंजर is maintained by the World Heritage Committee. It has 55 cities as of 2023. Okay? It has how many? 55 cities as of 2023. So, yahan pe what you should remember is the total number of World Heritage Sites. You should remember Intangible Heritage Convention. You should remember Education for All Initiative, Media Development Indicators. And finally, World Heritage Committee kya karti hai? ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल रिपोर्ट्स, यूनेस्को कौन से ग्लोबल रिपोर्ट्स रिलीज करती है? एक है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कल्चर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट, यूएन वाटर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो ये चार रिपोर्ट्स, ग्लोबल रिपोर्ट्स रिलीज करती है यूनेस्को. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं UNHRC में. राइट, नाउ UNHRC क्यों न्यूज़ में था? UNHRC में सबसे पहले न्यूज़ में ये था कि UN जनरल असेंबली जो है, उन्होंने 15 मेंबर स्टेट्स को HRC में इलेक्ट किया है, बट रशिया को निकाल दिया है. रशिया को बोला है कि इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल. एंड रशिया को जब इट इन्वेडेड और इट अटैक्ड यूक्रेन, तब से रशिया को UNHRC से निकाल दिया गया है. ठीक है, सो वन कंट्री दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ UNHRC, दैट इज रशिया. ठीक है, अब UNHRC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीवा पे है. ठीक है, एंड इट वॉज क्रिएटेड इन 2006. इट इज़ द प्रिंसिपल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विद इन द UN फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब. अगेन कपल ऑफ की पॉइंट्स या ट्रिविया पॉइंट्स, UDHR दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव,
ये इनिशिएटिव क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि इट वॉज 75 ईयर्स दैट इट हैज़ कम्प्लीटेड इन 2023, ठीक है. सो उसके तीन बेसिक गोल्स हैं. क्या क्या है? एक है यूनिवर्सैलिटी, प्रोग्रेस एंड इंगेजमेंट. सो UDHR का 75 ईयर्स होने के वजह से द UDHR 75 इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च. उसके तीन गोल्स हैं यूनिवर्सैलिटी, प्रोग्रेस एंड इंगेजमेंट, राइट. तो यू शुड अगेन रिमेंबर दिस. देन उसके अलावा देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड द वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दैट इज VDPA, वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसके अंडर पे ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश किया गया है. तो ये दो चीज किसके अंडर आती है? UNHRC के अंडर आती है. UDHA एंड VDPA, ये दोनों चीजें UNHRC के अंडर आती है. ओके, मूविंग ऑन. यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग, अगेन 75th एनिवर्सरी था, एंड इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए देयर वाज एन अवार्ड, द डाग हम्सकॉल्ड मेडल, जिनको पीसकीपर्स को दिया गया है हु डाइड इन द ईयर 2022, ठीक है. सो अगेन UN पीसकीपिंग का भी 75th ईयर एनिवर्सरी था इन द ईयर 2023. ओके, मूविंग ऑन, वी कम टू UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. क्यों न्यूज में था? बिकॉज देयर वाज अ रिपोर्ट, द सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट, जो यूनेस्कैप ने रिलीज किया था. अब यूनेस्कैप क्या है? यूनेस्कैप इज बेसिकली 1947 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, नाम कई बार बदला है. इट इज वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस ऑफ द UN. ये 5 रीजनल कमीशंस है UN के, उसमें से एक है. कौन से 5 है? आई हैव गिवन द नेम्स राइट हियर. इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, पहला वाला, ठीक है. इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द करीबियन, दैट इज द सेकेंड वन. थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. चौथा है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्ट एशिया. एंड पांचवा है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप. ये 5 कमीशन में से दिस वॉज इन न्यूज. क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी नोन एज द सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बैंकॉक थाईलैंड में है, राइट. ओके, सो व्हाट डज, फंक्शन क्या है इसका? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रीजन बाय जेनरेटिंग एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज, ठीक है. सो बेसिकली SDG के साथ रिलेटेड है इसका, एंड देर आर, इट्स रीजन स्पेसिफिक. इसके अलावा देर आर 53 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड 9 एसोसिएट मेंबर्स. यूनेस्कैप के 2 और रिपोर्ट्स आती हैं. एक है SDG प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट, एंड दूसरा है एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट. दैट मीन्स 3 रिपोर्ट्स इन टोटल. एक है सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक, दूसरा है SDG प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट, एंड तीसरा है एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट. सो 3 रिपोर्ट्स ऑफ यूनेस्कैप. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू यूनसिट्रॉल. अब यूनसिट्रॉल क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडिया ने इनॉग्रल यूनसिट्रॉल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया था. ओके, सो अगेन एनीथिंग रिलेटेड टू इंडिया इज इंपॉर्टेंट. सो इंडिया होस्टेड द इनॉग्रल यूनसिट्रॉल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस. यूनसिट्रॉल वॉज एस्टैब्लिश इन 1966, सब्सिडरी बॉडी ऑफ UNGA, राइट. एंड वॉट इज द मेन अजेंडा? हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है. कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 70 हैं, एंड ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 इयर्स. इंडिया इज अ मेंबर टिल 2028 तक इंडिया मेंबर है. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ट्रिकी चीज क्या है इसमें? यूनसिट्रॉल इज नॉट पार्ट ऑफ WTO, ये UNGA के अंडर आता है, राइट. ये UNGA के अंडर आता है, ये WTO का साथ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट. WTO क्या करता है? वो ट्रेड पॉलिसी इश्यूज पे बात करता है, एंड यूनसिट्रॉल क्या करता है? इट डील्स विद लॉज एप्लीकेबल टू प्राइवेट पार्टीज इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड इज नॉट इन्वॉल्व्ड विद स्टेट टू स्टेट इश्यूज,
ठीक है. सो WTO इज इन्वॉल्व विथ व्हाट ट्रेड पॉलिसीज ऑफ स्टेट टू स्टेट. यूनसिट्रल इज अबाउट ट्रेड लॉज दैट कंसर्न्स प्राइवेट प्लेयर्स. तो WTO और यूनसिट्रल का अलग आप यू नो यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस. एंड रिमेंबर यूनसिट्रल कम्स एज अ पार्ट ऑफ और रिपोर्ट्स टू द UNGA नॉट टू द WTO. ठीक है. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट आता है UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड. तो UNCDF क्यों न्यूज में था. अटल इनोवेशन मिशन. ठीक है. अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड द UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड रिलीज्ड अ वाइट पेपर. ठीक है. फॉर एग्री टेक इनोवेशन इन इंडिया. दैट मींस तीन institutions together worked on this white paper, that is Atal Innovation Mission, Niti Aayog and the UN Capital Development Fund. Ab UN Capital Development Fund hai kya? It's a UN flagship jo finance karta hai world's least developed countries or the LDGs. Theek hai? It is an autonomous, voluntarily funded UN organization जो UNDP के साथ related है, United Nations Development Program के साथ. So ये fund किसके साथ related है? UNDP के साथ related है. It's a voluntary funded UN organization. ठीक है. अच्छा, this three institutions basically talked about agri-tech innovation जो इंडिया में होने वाला है और उसके बाद ये टेक बाद में जाके LDGs that's least developed countries को help भी करने वाला है. So that was the major thrust in this white paper that was released and again it's part of the UNDP affiliated to the UNDP. उसके बाद आते हैं global crisis response group. क्यों? क्योंकि India has joined the UN GCRG. क्यों ज्वाइन किया है? इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इट इज़ द UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस विच इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन द चैंपियंस ग्रुप. कौन सा ग्रुप? द चैंपियंस ग्रुप. ठीक है. सो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप का भी एक चैंपियंस ग्रुप है एंड इस चैंपियंस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए द UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने इनवाइट किया है इंडिया को एंड इंडिया हैज फॉर्मली जॉइंड आल्सो. अब ये जो क्राइसिस ग्रुप है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2022 बाय द UN सेक्रेटरी जनरल टू एड्रेस अर्जेंट एंड क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज. ठीक है. इट इज ओवरसीन बाय द चैंपियंस ग्रुप. ठीक है. कौन है मेंबर्स? बांग्लादेश है, बारबेडोस है, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल. कौन कौन? बांग्लादेश, बारबेडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड सेनेगल. अब इंडिया भी है. ठीक है. सो दिस इज द चैंपियंस ग्रुप रिलेटेड टू व्हाट? द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप. किसने बनाया है? UN सेक्रेटरी जनरल इन द ईयर 2022. सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स यू वुड हैव टू रिमेंबर. आते हैं अभी UN स्टैटिस्टिकल कमीशन. नाउ इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर अ 4-year टर्म बिगनिंग फ्रॉम 1st जनवरी 2024. ठीक है. सो इंडिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन. कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है? न्यूयॉर्क, US. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1947 एंड इट इज़ द हाइएस्ट बॉडी ऑफ ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम. बेसिकली जो चीफ स्टैटिस्टिशियंस हैं मेंबर स्टेट्स के, दे कम टुगेदर एंड दे क्रिएट द स्टैटिस्टिक्स जिसके अंडर में UN एक्चुअली फंक्शन भी करता है. जैसे कि SDGs कितना हो रहा है, कितना इम्पैक्ट लेके आ रहा है, कंट्रीज क्या कर रहा है, पॉवर्टी लेवल्स क्या है, ऑल द स्टैट्स दैट यू सी इन द UN वेबसाइट एंड दैट इज शेयर्ड इन द UNGA, सारा का सारा स्टैटिस्टिकल कमीशन ही बनाता है. ठीक है. सो दैट इज what the commission works on also. Okay, it oversees the work of United Nations Statistics Department and is a functional commission. Ye important hai. So when we talk about United Nations, there are different types of commissions. Statistical commission is a functional commission. Theek hai. So there are certain commissions jo UN ke function ke liye kafi important hai. One of them is the statistical commission. So it is a functional commission jo India has become a member of, has been elected. Right. Moving on, let's come to UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development. Ab Trade and Development Report 2023 was released. Theek hai.
ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 वाज रिलीज्ड। अब इसके अलावा कई और रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है यूंगटर। क्या क्या रिलीज करता है? एक है आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तीसरा है दी LDC द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, चौथा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, पांचवा है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एंड छठा है आपका टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। आई एम रिपीटिंग, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। तो दीज रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय यूंगटर्ड, विच इज न्यूज़ में क्या था, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2023। ओके, नाउ ऑफकोर्स UNGA के अंडर आता है, हेडक्वार्टर्स इज इन जिनीवा, हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट मोर इक्विटेबली इन द ग्लोबल इकोनॉमीज, देर आर 195 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, सो दैट इज बेसिक फैक्ट्स ऑफ यूंगटर्ड। अब आते हैं FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन क्यों न्यूज़ में था, इट रिलीज्ड अ फूड आउटलुक, ये बाई एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, बाई एनुअल रिपोर्ट है फूड आउटलुक, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टॉक लेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो बेसिकली जब भी वॉर होता है, यूक्रेन वॉर हुआ है, इसराइल गाजा वॉर है, ईरान इसराइल के बीच में टेंशन है, ऑल ऑफ दिस इज अफेक्टिंग सो प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ विच इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इसका रिपोर्ट भी रेडी रहे कि कहाँ से कहाँ सप्लाई रुक रहा है, कौन से कंट्रीज़ को सप्लाई नहीं मिल रहा है, किनके पास स्टॉक पाइल एकदम कम है। सो दिस इज़ वेयर दिस फूड आउटलुक रिपोर्ट कम्स इनटू पिक्चर। ओके, सो इट वाज फंडेड इन 1945, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN एंड इट बेसिकली लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रोम इटली में है। कितने मेंबर्स हैं, 194 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। देर आर थ्री बेसिक गोल्स ऑफ FAO, वन इज इराडिकेशन ऑफ हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड मैल न्यूट्रिशन। आज के दिन पे फूड इनसिक्योरिटी पे काफ़ी बात हो रही है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय पे मेनी अफ्रीकन कंट्रीज were suffering from food insecurity because Ukraine, which is seen as a hub of grain production, वहाँ से grain आना बंद हो गया था। इसके वजह से कई countries, जैसे Egypt में भी there was a scarcity of grains and food insecurity became a matter of debate। इसी वजह से UN और Turkey ने Black Sea Grain Deal पे काम किया था, जहाँ पे रशिया ने एक्सेप्ट किया था कि तीन ऐसे पोर्ट्स होंगे इंक्लूडिंग द ओडेसा पोर्ट, जहाँ से यूक्रेन ग्रेन्स भेज सकता है टू अदर कंट्रीज। बट लास्ट ईयर 2023 में रशिया एक्चुअली वॉक्स आउट ऑफ दिस ग्रेन डील एंड सेज कि एक्चुअली यूक्रेन जो है वो डिजर्विंग कंट्रीज़ को नहीं भेज रहा है, वो एक्चुअली दूसरे कंट्रीज़ को भेज रहा है जहाँ से वो लेजिटिमेसी एंड सपोर्ट खरीद रहा है बाई यूजिंग द ग्रेन्स। इसी वजह से रशिया एक्चुअली वॉक्स आउट ऑफ इट। टुडे देर इज नो सच ग्रेन डील एंड FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का यही मेन थ्रस्ट रहा है कि जितना केओस होगा, जितना वॉर होगा, कूज होंगे, सिविल वॉर्स होगा, उतना अफेक्ट करेगा द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ बेसिक चीज जो है फूड, विच इज गोइंग टू लीड टू फूड इनसिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ड्राइविंग फॉरवर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस फॉर ऑल, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एयर, क्लाइमेट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज का भी FAO में मेंशन किया हुआ है। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द L69 ग्रुपिंग। L69 ग्रुपिंग इज बेसिकली इंडिया ने कॉल किया था एंड इंडिया वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ UNSCA। लास्ट फुल ईयर इफ यू टेक अ लुक एट इट, जनवरी 2023 में इलॉन मस्क ने कहा था कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द UNSCA, द थिंग इटसेल्फ इज अब्सर्ड। उसके बाद से लेके ये डिबेट चलता ही रहा है कि भाई रिफॉर्म्स ऑफ UNSCA क्यों नहीं हो रहा है। एंड इफ यू टेक अ लुक एट द यू नो BJP's इलेक्टोरल प्रोमिसेस, उसमें भी ये है कि इट्स गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया एंड यू नो अम परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSCA। सो कहीं ना कहीं दिस डिमांड नॉट ओनली इज देयर इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बट इज अक्रॉस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स कंट्रीज, ये डिमांड है कि
यूएनएससी का रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है एंड कंट्रीज लाइक इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. नाउ जिसके वजह से इंडिया का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है विच इज़ नोन एज द G4 कंट्रीज. नाउ G4 कंट्रीज बेसिकली इंक्लूड्स इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी विच टुगेदर हैव आर्ग्यूड कि भाई देर शुड बी ज्योग्राफिकल इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन द यूएनएससी एंड वीटो का नेचर बदलना चाहिए. ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिमांड G4 ने दे दिया है. बट अब इंडिया ने क्या किया है कि भाई G4 का कोई बात सुन नहीं रहा था, तो वॉट दे हैव लेवरेज्ड इज समथिंग कॉल्ड द L69 ग्रुपिंग, जहाँ पे दी कंट्रीज, द डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, करीबियन, एशिया एंड पैसिफिक, सो ऑल दी डेवलपिंग कंट्रीज, मेजर वंस, दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द यूएनएससी. सो नाउ इट इज वन ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स. एंड इंडिया का यही कहना है कि वीटो को लेके रुकावट नहीं होनी चाहिए, यूएनएससी हैज टू रिफॉर्म, मेंबर्स, न्यू मेंबर्स हैव टू बी एडेड, इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड, राइट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट इंडिया इज आर्ग्यूइंग एंड सेड कि वीटो का जो नेचर है, इधर वीटो को हटा दिया जाए, मेजॉरिटी कर दिया जाए या मल्टीपल वीटोज का पावर दिया जाए. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी डन टू रिफॉर्म द नेचर ऑफ वीटो, बट दैट शुड नॉट स्टॉप फ्रॉम अदर कंट्रीज टू बी पार्ट ऑफ यूएनएससी इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है, सो दिस इज अ डिमांड दैट इंडिया हैज बीन पुटिंग थ्रू द L69 ग्रुपिंग. बट इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, दैट इज ग्लोबल साउथ कंट्रीज का ग्रुप है. लास्ट ईयर जैसे कि मैंने इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में भी कहा था कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 2 बार हुआ है, राइट. दोनों ही बार इंडिया ने लीड किया है एंड दिस इज वेयर इफ यू लुक एट द लास्ट ईयर जो बज में था वो इंडिया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, चाहे वो समिट के थ्रू, चाहे वो L69 ग्रुपिंग के थ्रू, इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुपिंग बना के इट इज़ ट्राइंग टू पुश फॉरवर्ड मल्टीलैटरल एजेंडा इन द ग्लोबल ऑर्डर, चाहे रिफॉर्म्स ऑफ द यूएनएससी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ट्रेड लॉस हो, हर जगह पे इंडिया ने ग्लोबल साउथ का ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया है. एंड इसीलिए इफ यू लुक एट इट, इंडिया को कई बार लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ भी कहा जा रहा है एंड दिस इज वेयर इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इट्सेल्फ, यू नो, इन द इंटरनेशनल ऑर्डर राइट नाउ कि भाई इफ वी डोंट वॉइस देयर कंसर्न्स कौन करने वाला है. ठीक है, सो L69 ग्रुपिंग इसी वजह से इंपॉर्टेंट था. इट वॉज ऑल अबाउट द यूएनएससी रिफॉर्म्स, याद रखना है, इट इज अबाउट द यूएनएससी रिफॉर्म्स. ओके, इसके अलावा देर वॉज ऑल्सो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि दिस वॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली यूएन के अंडर में 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड उसी समय पे 1962 में इंटरनेशनल कॉफी अग्रीमेंट भी साइन किया गया था. ठीक है, नाउ why it was in news coffee organization, because the 5th world coffee conference by international coffee organization was hosted in India mein host hua tha. It is the first time that an Asian coffee producing country has hosted, pehli bar ek Asian coffee producing country ne is organization ka conference jo hai wo host kiya hai, isi wajah se ye kafi important news hai. Right now it comes under the, you know, affiliated to the UN and there is an agreement in 1962. Kya hai objectives? To strengthen the global coffee sector, to promote sustainable expansion in a market based environment for benefit of all actors, chahe wo producers ho ya consumers ho, dono ke liye it should be a sustainable expansion. Kaun se members hain? There are 49 members, jin mein se 42 exporting hain aur 7 importing hain. India kya hai? It is an exporting member. Theek hai, it exports coffee rather than imports coffee. So India is an exporting member on the International Coffee Organization. Again, important kya hai? It is the first time an Asian coffee producing country has hosted this conference. Okay, we move on to the other organizations that have been in news, multilateral organizations that have been in news. So, sabse pehle to G20. Now, G20 ke baare mein, as I have said in multiple videos, ki G20
has been discussed, it has been debated upon a lot. तो आई एम श्योर कि आपके पास भी G20 को लेके खुद के नोट्स होंगे. तो उस नोट्स में जो यहाँ पे मैंने अगर बोला कुछ नया है तो उसको ऐड कर देना है, और अगर नया नहीं है इट्स द सेम एज योर नोट्स, लेट इट बी. बट देर इज़ अ प्रॉबिबिलिटी कि G20 से क्वेश्चन आए, क्योंकि अगेन पूरे साल अप टू सेप्टेम्बर G20 में बस था, कंप्लीट मीडिया में इट वॉज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग. ठीक है, सो एज आई सेड, जहाँ पे आपके नोट्स हैं वहाँ पे एक बार चेक कर लो, कुछ ऐड करना है तो कर लो, नहीं करना जैसा है रहने दो, उसी को रिवाइज करते रहना है. ठीक है, तो अगेन व्हाई वाज इट न्यूज़, बिकॉज इट वाज इंडियाज़ प्रेसिडेंसी. क्या था यू नो व्हाट वाज द थीम ऑफ इट, इट वाज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. की चीज़ क्या था, हाईलाइट क्या था, इट वॉज द अडॉप्शन ऑफ द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स जॉइंट डिक्लेरेशन. ठीक है, इसमें क्या क्या थीम्स थी, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs, वुमेन एम्पावरमेंट, रिफॉर्म्स ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ग्लोबल पीस. अब G20 की अगर हम बात करें, इट वॉज फाउंडेड इन 1999 फॉलोइंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, पर्पस क्या है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस on all major international economic issues. Members कौन से हैं, so Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia. Indonesia का इससे पहले था, which was the Bali Declaration. ठीक है, 2022 में बाली डिक्लेरेशन था जो इंडोनेशिया में हुआ था. उसके बाद इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया. रशिया प्यूटिन डिड नॉट कम फॉर द बाली डिक्लेरेशन एज वेल एज फॉर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन. सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, अफ्रीकन यूनियन मेंबर बन चुका है अंडर द इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, एंड यूरोपियन यूनियन. सो टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ मेंबर्स ऑफ G20, और वी कैन से G21, राइट. सो अगर G21 है तो दो यूनियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है अफ्रीकन यूनियन. ठीक है, किस तरीके से G20 वर्क करता है, सो दैट द होल सिस्टम वर्क्स ऑन अ ट्रॉयका. ट्रॉयका मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेसिडेंट, एंड उसको सपोर्ट करने के लिए पास्ट एंड द फ्यूचर प्रेसिडेंट इज गोइंग टू वर्क टुगेदर. इंडिया के प्रेसिडेंसी के समय पे इट वॉज इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील. अब प्रेसिडेंसी शिफ्ट हो चुका है टू ब्राज़ील, अब इंडिया विल कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ द ट्रॉयका. ठीक है, अब दो ट्रैक्स होती हैं, एक है फाइनेंस और एक है शेरपा ट्रैक. ठीक है, फाइनेंस एंड शेरपा ट्रैक बेसिकली फंक्शनिंग में आता है. नेक्स्ट आते हैं, इसी G20 के समिट के समय पे इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया था. बट इस अलायंस में ऐसे कई मेंबर्स हैं जो एक्चुअली G20 के मेंबर्स नहीं हैं, बट देवर कॉल्ड ऑन इन्विटेशन. सो इट वॉज लॉन्च बाई इंडिया अलॉन्ग विद द लीडर्स ऑफ सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, US, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशियस एंड UAE. ठीक है, नाउ व्हाट वॉज द होल एम, इट इज़ टू फॉस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर द एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. इससे इंडिया को क्या होने वाला है, क्या हेल्प होने वाला, बेनिफिट क्या है, इट्स गोइंग टू बूस्ट बायोफ्यूल इनिशिएटिव सच एज PM जीवन योजना, सतत एंड द गोवर्धन स्कीम, कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम एंड क्रिएट न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंसी. सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है. उसके अलावा इट विल अचीव नेशनल टारगेट्स, दैट इज 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाई 2025 टू 2026, एंड इट्स गोइंग टू गिव एडिशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज. अब प्रेजेंट GBA मेंबर्स कौन हैं, उसमें से दिस इज अगेन समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, 7 G20 कंट्रीज हैं. 7 G20 कंट्रीज हैं, कौन से हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, US, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका. 4 G20 इन्वाइटेड कंट्रीज हैं, दैट इज बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशियस, UAE. 8 नॉन G20 कंट्रीज हैं, आइसलैंड, केनिया, गुआना, पैराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा एंड फिनलैंड, एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सो दीज आर द प्रेजेंट GBA मेंबर्स, दैट इज द ग्लोबल बायोफ्यूल के मेंबर्स हैं. तो 7 G20 कंट्रीज, 4 G20 इनवाइटी कंट्रीज एंड 8 नॉन G20 कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. ओके,
मूविंग ऑन, उसके अलावा ऑफ कोर्स द आईएमएक वाज इन डिस्कशन, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. नाउ इसके लिए ऑलरेडी एक एमओयू हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा? मुंबई, मुंबई से यूएई, यूएई से इट्स गोइंग टू गो वाया सऊदी अरेबिया टू इसराइल, इसराइल से इट्स गोइंग टू गो टू ग्रीस एंड देन ओपनिंग अप टू यूरोप. राइट, नाउ ये जो कॉरिडोर होगा वो कौन फंड करने वाला है? पीजीआईआई फंड करेगा. पीजीआईआई किसका पार्टनरशिप है, किसके अंडर आता है? G7 के अंडर आता है. ठीक है, अब आईएमएक की अगर हम बात करें तो दो कॉरिडोर हैं उसका. एक है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर विच इज कनेक्टिंग इंडिया टू द अरेबियन गल्फ, दैट इज यूएई के तरफ, विच इज गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी अ मैरिटाइम कॉरिडोर. ठीक है, ये मैरिटाइम कॉरिडोर होने वाला है. उसके बाद यूएई से सऊदी अरेबिया होते हुए इसराइल, इट्स गोइंग टू बी इधर अ रोड और अ रेलवे कॉरिडोर. उसके बाद फिर से नॉर्दर्न कॉरिडोर में जो आएगा, अरेबियन गल्फ टू यूरोप की बात करेंगे तो इसराइल से ग्रीस तक फिर से मैरिटाइम होने वाला है. सो मैरिटाइम, रोड, रेल एंड देन मैरिटाइम. तो दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं, एक है ईस्ट और एक है नॉर्दर्न कॉरिडोर. ठीक है, ईस्ट एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर, ये अगर पीजीआईआई के अंडर पे फंड होके बन जाता है, अभी मुश्किल है बिकॉज इसराइल में वॉर चल रहा है, इट्स गोइंग बी डिफिकल्ट, बट अगर ये हो जाता है देन इट्स गोइंग टू एक्चुअली हेल्प इन ट्रांजिटिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर बन जाएगा एंड दिस इज बेसिकली अ चैलेंज टू व्हाट? बीआरआई, दैट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. ठीक है, एंड कौन फंड कर रहा है ये? पीजीआईआई कर रहा है जो G7 के अंडर आता है. ठीक है, आते हैं आगे. उसके अलावा G20 में क्या हुआ था? उसके अलावा इफ यू टेक अ लुक एट इट, G20 इम्पावर, राइट, G20 इम्पावर, दैट इज G20 अलायंस फॉर इम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन्स इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन. G20 अलायंस फॉर इम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन्स इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन. It is an alliance between government and private sector for accelerating women leadership and empowerment in private sector. Uske alawa, of course, the Maharishi Initiative, which is the millet and the other ancient grains international research initiative. ठीक है, नाउ दिस वॉज कम्प्लीटली डन बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023. तो लास्ट ईयर वॉज सीन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉट? नीचे कमेंट्स में आपको लिखना है. ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, 2024 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉट? एनी वे, कमिंग बैक टू महर्षि, इसका जो सेक्रेटेरिएट होने वाला है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद में होने वाला है. ठीक है, अभी तक बना नहीं है, इट इज़ ऑन द प्रोसेस. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद. टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से आएगा? इकरी सैट से आने वाला है, CGIAR सेंटर से आने वाला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आने वाला है. इट्स बेसिकली गोइंग टू डू रिसर्च एंड अवेयरनेस अबाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी मतलब एंशियंट ग्रेन्स इंडिया में, जैसे मिलेट्स हैं, उस पर फोकस होने वाला है. उसके अलावा ऑफकोर्स देयर वॉज B20, दैट इज बिजनेस 20, जिसका जो मेन थीम था वॉज रेज, RAISE. क्या है? रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस. रिपीटिंग इट, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस. तो ये थीम था B20 का, राइट. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 एज द ऑफिशियल G20 डायलॉग. अगेन अ क्वेश्चन नोट हियर, B20 समिट इंडिया में कहाँ हुआ था? ठीक है, यू शुड नो कि B20 का जो मेन समिट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी वर्किंग ग्रुप समिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन समिट ऑफ B20 इंडिया में कहाँ हुआ था. ओके, उसके अलावा ऑफकोर्स देयर वॉज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, WHO एंड द G20 का जो इंडिया प्रेसिडेंसी के अंडर पे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ वॉज टॉक्ड अबाउट. WHO एक्चुअली डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया है उस पर एंड इट वॉज अ की डिलीवरेबल ऑफ द थर्ड हेल्थ प्रायोरिटी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वॉज ऑफ द फीवर, दैट इज FEVR. क्या है फीवर? फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क फ्रॉम पैंडमिक्स. सो G20 इन इंडिया वॉज
crucial because now post-pandemic recovery had happened and countries could come together and figure out ki kis tarike se future pandemics ko deal kiya jaye, kis tarike se jo vulnerable section unko protect kiya jaye. To isi wajah se ek framework for health, social and economic vulnerabilities and risks from pandemics ka ek meeting and framework pe discussion hua tha. So on request by G20 task force, framework was prepared by WHO, World Bank and IMF and the European Investment Bank, जिसके ऊपर भी discussion हुआ था. So these are few key words you should remember, right? So G20 Empower का full form, Maharishi का full form, B20, GIDH and Fever. So these few key issues you have to remember when it comes to G20. Okay. मूविंग ऑन बिम्स्टेक पे आते हैं. बिम्स्टेक क्यू न्यूज पे था. इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक. कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था. ना बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक वॉज प्रोजेक्टेड सिंस 2019 टू रिप्लेस सार्क. क्यों? क्योंकि सार्क में बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी एंड मेनी अदर इशूज इट इज़ नॉट रियली टेकन ऑफ. इसके वजह से द फोकस शिफ्टेड टू बिम्स्टेक एंड 2019 के बाद से बिम्स्टेक पे काफ़ी फोकस रहा है, इंक्लूडिंग 2022 में आपका बिम्स्टेक चार्टर का साइनिंग एज वेल एज अडॉप्टिंग हुआ है, राइट? वो साइन एंड अडॉप्टेड इन 2022. कहाँ पर है सेक्रेटेरिएट? ढाका, बांग्लादेश. सो की थिंग, लास्ट ईयर देर वॉज अ फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग, पहला जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था. ओके, वी मूव ऑन, वी कम टू आसियान. एंड आसियान में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेसिकली अटेंडेड द 20th आसियान इंडिया समिट. क्या था? 20th आसियान इंडिया समिट. अब उस मीटिंग में या समिट में इंडिया ने 12 पॉइंट प्रपोजल दिया है, 12 पॉइंट प्रपोजल फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया आसियान कोऑपरेशन. वहाँ से जो तीन मेजर है वो है, पहला मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप. बेसिकली क्या बोला जा रहा है, जो आईमेक का कॉरिडोर है उसको भी हम एक्सटेंड करके साउथ ईस्ट एशिया लेके आ सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी. अगेन दिस इज समथिंग एज अ प्रपोजल हैज कम इन. एक बार आईमेक बन जाएगा इट्स गोइंग टू हेल्प इन एक्सटेंडिंग इट एंड BRI की तरह इसको एज अ ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी बना दिया जा सकता है. उसके अलावा इंडिया टॉक्ड अबाउट शेयरिंग इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक विद द आसियान पार्टनर्स एंड देन यू हैव आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर फोकसेस ऑन कोऑपरेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी. ये तीन मेजर पॉइंट्स थे इन द 12 पॉइंट प्रपोजल. So, ASEAN ke basic facts kya hai? It was established in 1967 with the signing of the ASEAN Declaration or the Bangkok Declaration. Theek hai, members kaun hai? It's the 10 countries of ASEAN. ASEAN community kis tarike se hota hai? Teen pillars hain. Aapka political security community, economic community and socio-cultural community. कई बार इसको विंडोज़ भी बुलाया जाता है कि कौन से थ्री विंडोज़ से आसियान काम करता है. सो बेसिकली वो भी सेम ही है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. ना आसियान वर्क्स इन मल्टीपल वेज. जैसे कि आसियान प्लस इंडिया समिट हुआ था वैसे आसियान प्लस थ्री कोऑपरेशन भी होता है, जहाँ पर आसियान प्लस थ्री कौन से कंट्रीज़ हैं? चाइना, जापान और साउथ कोरिया. ये थ्री के साथ आसियान का भी एक अलग ट्रैक चलता है, डायलॉग ट्रैक चलता है. उसके अलावा आसियान प्लस इंडिया के अलावा देर इज़ ऑफकोर्स द ईस्ट एशिया समिट, द आसियान रीजनल फोरम ARF, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एज वेल एज द एक्सपैंडेड आसियान मेरीटाइम फोरम. ठीक है, तो इंडिया कई सारे आसियान रीजनल फोरम्स के पार्ट है. आसियान प्लस वन दैट इज आसियान प्लस इंडिया हैपेंड लास्ट ईयर एंड इन सभी में दैट्स रीजनल फोरम्स ऑफ आसियान में भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कौन से में इंडिया है एंड कौन से में चाइना है. सो आसियान प्लस थ्री दैट इंक्लूड्स चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, वहां पे इंडिया नहीं आता है. मूविंग ऑन टू ब्रिक्स. अब ब्रिक्स भी आप लोगों को सभी को पता है क्या था न्यूज में, राइट? सो ब्रिक्स का एक्सपेंशन वॉज इन न्यूज एंड फाइनली जो नए मेंबर्स हैं उनका भी अप्रूवल हो गया है 1st of January से. तो क्या है, पांच न्यू मेंबर्स आ गए हैं अभी. कौन से पांच न्यू मेंबर्स हैं, राइट? कौन से पांच न्यू मेंबर्स हैं अभी? सो वी हैव इजिप्ट, वी हैव इथोपिया, वी हैव ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE.
अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। अर्जेंटीना को भी गया था बट अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। तो कौन से पांच है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये दोनों आपका एशियन कंट्रीज में आ जाएगा या वेस्ट एशिया बोल सकते हो। ईरान आ जाएगा आपका वेस्ट एशिया पे, इजिप्ट और इथोपिया आएगा आपका अफ्रीकन कंट्रीज। सो लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना को बुलाया गया था बट अगेन अर्जेंटीना रिफ्यूज। सो दीज आर दी फाइव न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ये कब डिसाइड किया गया था एक्सपेंशन? इट वॉज इन द 15th ब्रिक्स समिट और द जोहानसबर्ग, राइट, जोहानसबर्ग समिट में। जोहानसबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका ने जब होस्ट किया था वहाँ पे ब्रिक्स एक्सपेंशन पे बात हुई है। ओके, सो बेसिकली द जोहानसबर्ग टू डिक्लेरेशन एंड This is the reason why BRICS was in news. Basic जो information है ये basically 2001 में conceive हुआ था जब Goldman Sachs का एक paper आया था which talked about the fastest growing developing countries which are not in the G7. ठीक है, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका आ जाता है 2010 में एंड फाइनली द नेम कम्स एज ब्रिक्स। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट और ऑफिस नहीं है। जो समिट्स होती हैं वो राउंड रॉबिन फैशन में होता है, इट गोज फ्रॉम वन टू वन कंट्री। सो फ्रॉम साउथ अफ्रीका इट वॉज सपोज टू गो टू ब्राज़ील बट ब्राज़ील ने मना कर दिया है एंड नाउ इट इज़ सपोज टू गो टू रशिया फॉर 2024। बट रशिया में होना इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वी हैव टू सी हाउ इट पैंस आउट विद द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। बट जो लास्ट ऑगस्ट में रिपोर्ट आया था दैट द नेक्स्ट समिट इज़ गोइंग टू बी इन रशिया, उसके बाद से देयर इज़ बीन नो न्यूज़ कि इसका अगला समिट कहाँ पर होगा। विल ऑल द मेंबर कंट्रीज अग्री टू गो टू रशिया स्पेशली विद द रशिया यूक्रेन क्राइसिस नॉट कमिंग टू एन एंड, या ये ब्राज़ील के पास ही आने वाला है? बट ब्राज़ील ने एज सच मना कर दिया था क्योंकि ब्राज़ील के पास G20 का भी प्रेसिडेंसी है इस ईयर में, इसी वजह से ब्राज़ील सेड इट कैन नॉट होस्ट टू मेजर इवेंट्स बैक्ड आउट फ्रॉम ब्रिक्स। बट अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन कि रशिया में होगा कि नहीं होगा 2024 में। ओके, मूविंग ऑन, वी कम डाउन टू मेजर इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स। लास्ट ईयर देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन द कंटेंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, बट उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ब्रिक्स का। तो एक है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जिसे कहते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ रीजनल ऑफिस, राइट। सो वॉट हैज हैपन्ड लास्ट ईयर, क्यों न्यूज़ में था NDP? NDB वॉज देयर विच इज़ उससे फंडिंग आई है टू सेटअप अ ऑफिस एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी की बात की गई है। ठीक है, ये गिफ्ट सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो किस जगह पे हो रहा है एंड इसके पीछे कौन कौन फंडिंग दे भी रहा है। सो NDP ने कहा है कि एक रीजनल ऑफिस होगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी दैट इज़ गिफ्ट सिटी में। एंड जो NDB है वो इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में टू बेसिकली मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। कौन है NDB के मेंबर्स? ब्रिक्स नेशंस हैं, बांग्लादेश है, UAE, इजिप्ट, यूरोगे वॉज अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर वंस इट डिपॉजिट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अभी तक किया नहीं है। अब मेंबर्स एक्सपैंड होने के बाद UAE और इजिप्ट तो मेंबर्स हो गए, दैट मीन्स द ओनली कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ NDB बट नॉट ऑफ ब्रिक्स इज़ बांग्लादेश, क्योंकि UAE और इजिप्ट बन चुका है अब ब्रिक्स का मेंबर। सो बांग्लादेश रिमेन्स द ओनली वन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? शंघाई चाइना में है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर चाइना। चाइना को मिलता है उसके बाद हमें मिलता है एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर देखा जाए रिसिपियंट की बात हो रही है। उसके अलावा ऑफकोर्स CRA लास्ट, एज आई सेड लास्ट ईयर क्वेश्चन में था, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देर वॉज ब्रिक्स R&D सेंटर फॉर वैक्सीन्स, ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म। ठीक है, सो दीज आर मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिक्स। वन अदर इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग। ठीक है, नाउ दिस हैपेंड लास्ट ईयर ऑल्सो, जहाँ पे इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ही पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग, जोहान्सबर्ग में ही हुआ था। कौन है फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स? बेलारूस है, राइट, बुरुंडी है, ईरान है, UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान एंड क्यूबा। इसमें से अगेन ये चार कंट्रीज, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, दीज कंट्रीज हैव बिकम
members of BRICS. Okay, these countries have become members of BRICS. इसी वजह से they are not going to be members of friends of BRICS maybe. Officially नहीं होंगे, they are members of BRICS. So right now, if you take a look, Belarus, Burundi, Kazakhstan and Cuba are the members of friends of BRICS. Objective क्या है? To promote interaction of BRICS with close allies and enhance its influence. ठीक है, close allies के साथ इनका relation बढ़ाने के लिए. Okay, we move on to SCO, Shanghai Cooperation Organization. क्यों था news में? क्योंकि India ने पहली बार was also the president of the SCO. अब यहाँ पे SCO का जो summit था वो virtual summit हुआ था क्योंकि Russian president could not come in. So it was a virtual summit that India basically chaired. इससे पहले किसके पास था? It was with Samarkand. Samarkand कहाँ पे है? अगेन कमेंट्स में लिखोगे. समरकंद समिट हुआ था 2022 में एंड अगला कहाँ जा रहा है? कजाकिस्तान जा रहा है. सो समरकंद इज, अगर आई एम नॉट गोइंग टू गिव द कंट्रीज नेम, उसके बाद इंडिया, उसके बाद कजाक में जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज द सीरीज ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑफ द SCO. क्या हुआ है इंडियन समिट, इंडियन प्रेसिडेंसी समिट पे? सबसे पहले तो थीम क्या था? टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO. सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सो दिस वॉज द थीम दैट वॉज गिवन टू द समिट. उसके अलावा ऑफकोर्स द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वॉज देयर, जहाँ पे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म को बोला गया है कि एवरी फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट में कंट्रीज शुड एक्चुअली एक्ट अपॉन. सो टेररिज्म वॉज अ मेजर कंसर्न दैट वॉज डिस्कस्ड इन द डिक्लेरेशन. उसके अलावा देयर वॉज ऑफकोर्स अग्रेसिव नेशनलिज्म, एथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी बात की गई है. उस इंडिया ने इस प्रेसिडेंसी के अंडर पे 5 नए पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन भी बनाया है, जैसे कि एक है स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, दूसरा है ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज. क्या क्या है? स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज. ईरान ऑल्सो ज्वाइन एज अ न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ द ग्रुपिंग. काशी दैट इज वाराणसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ द SCO. सो फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO इज वाराणसी और काशी. ओके, मूविंग ऑन, द एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों न्यूज में था? इट लॉन्च्ड अ न्यू कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया. कंट्री पार्टनरशिप strategy for India. Now CPS for India 2023-2027 will advance ADB strategy 2037 operational priorities. ठीक है, ये 7 operational priorities है क्या? सबसे पहले तो वो बात करते हैं. So पहला है आपका addressing remaining poverty and reducing inequalities. दूसरा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी. तीसरा है टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस एंड इन्हांसिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. चौथा आता है आपका मेकिंग सिटीज मोर लिवेबल. पांचवा इज प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी. सिक्स्थ इज स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी and seventh is fostering regional cooperation and integration. So these are the 7 operational priorities of ADB strategy 2030 jiske under pe country partnership strategy that is CPS for India 2023-2027 India ke sath launch kiya gaya hai. Ab ye CPS jo hoga wo 3 pillars pe focus karega. Ek hai it will accelerate the structural transformation and job creation. दूसरा है इट विल प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रोथ. तीसरा है डीपन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस. ठीक है, सो 3 थिंग्स इट्स गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन. सीपीएस इज एडीबीज प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर डिजाइनिंग ऑपरेशंस अंडर स्ट्रेटजी 2030. इट एम्स टू एक्सपैंड इट्स विजन टू अचीव अ प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक. ठीक है, ये सब तो सिंपल वर्ड्स हैं. व्हाट यू शुड रिमेंबर इज द 7 प्रायोरिटीज एंड एडीबीज स्ट्रैटेजी 2030 के अंडर सीपीएस के बारे में, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में. ओके, अब आते हैं अगेन एडीबी के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में. सो कब एस्टैब्लिश किया गया है? 1966 में रीजनल डेवलपमेंट बैंक के तरफ. हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है. मैंडेट क्या है? इट असिस्ट मेंबर्स एंड पार्टनर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस.
सेकेंड फैसिलिटेट्स पॉलिसी डायलॉग्स प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज. मेंबर्स क्या है, 68 मेंबर्स हैं आउट ऑफ विच 49 आर फ्रॉम विद इन एशिया एंड पैसिफिक, 19 फ्रॉम आउटसाइड. इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर. शेयर होल्डिंग, नाउ शेयर होल्डिंग पे क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन हियर. यूएस एंड जापान जो नॉन बोरोअर्स हैं दे हैव द हाइएस्ट शेयर होल्डिंग एट 15.6. चाइना एंड इंडिया हु आर द मेन बोरोअर्स हैव 6.4 एंड 6.3% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो शेयर होल्डिंग के इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है. अब इंडिया में और कितने प्रोजेक्ट्स में ADB ने बेसिकली फंडिंग किया है. एक है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नावा शेवा कंटेनर टर्मिनल फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, चेन्नई मेट्रो रेल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, आसाम साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉरिडोर कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये कुछ आपको यू नीड टू रिमेंबर. यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू पॉइंट आउट इज द SASEC, SA अभी आएंगे भी, SASEC, दैट इज द आसाम SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी जो हो रहा है. SASEC बेसिकली वर्क्स विथ ADB. बहुत बार क्वेश्चंस आया है कि SASEC किसके साथ काम करता है, WHO, WTO, IMF, ADB, NDB, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. SASEC वर्क्स विद ADB. ADB फंड करता है कोई भी SASEC के प्रोजेक्ट को. एंड आसाम में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम SASEC का प्रोजेक्ट चल भी रहा है विच इज़ अ कनेक्टिविटी कॉरिडोर. ठीक है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. अब वी कम टू SASEC, एग्जैक्टली साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. SASEC क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन आसाम एज पार्ट ऑफ द SASEC कॉरिडोर. ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट में इट इज़ अबाउट 3,400 crores विच हैज़ 43 रोड्स इंक्लूडिंग 38 ब्रिजेस. इसमें 4-lane प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं. अब SASEC की बात करें, ये 2001 में बनाया गया था, जहाँ पे कंट्रीज कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका. दे हैव कम टुगेदर एंड फंडिंग कौन करता है, बार बार याद रखना है, ADB करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक. SASEC का कहाँ पे है, वेर इज SASEC लोकेटेड, हेडक्वार्टर्स इज मनीला, फिलीपींस. ठीक है, सो ADB इज बेसिकली वॉट फंड्स द SASEC प्रोजेक्ट्स. ओके, वी मूव ऑन. SASEC के जो चार मेन पिलर्स हैं, 4 मेन पिलर्स फॉर कोऑपरेशन. एक है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्ट्रैटेजी, जहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बनाया जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी. सेकेंड है ट्रेड फैसिलिटेशन स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, जिसके अंडर पे क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट की जा रही है. ठीक है, सो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को एफिशिएंट बनाया जा रहा है, विच इज गोइंग टू बी लीडिंग टू द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज ऑफ साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ऑलरेडी पार्ट ऑफ SAFTA. राइट, SAFTA की बात हो रही है यहाँ पे, सो दिस इज वेयर इट्स गोइंग टू हेल्प. उसके अलावा देर इज ऑफकोर्स द एनर्जी सेक्टर स्ट्रैटेजी, दैट्स टॉकिंग अबाउट इंप्रूविंग क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी. लास्ट जो नया आया है वो है इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. 2016 में कंट्रीज हैव अप्रूव्ड द SASEC ऑपरेशनल प्लान, राइट, इंट्रोड्यूसिंग दिस एज द 4th सेक्टोरल एरिया, दैट इज द इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. यहाँ पे पोटेंशियल क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस पे फोकस करना है एंड इनोवेशन लाना है इनटू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो ये चार पिलर्स हैं आपके SASEC कोऑपरेशन पे. एंड न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आसाम में द फाउंडेशन स्टोन्स हैव बीन लेड फॉर अ 3,400 crore प्रोजेक्ट विच इज़ बीइंग फंडेड अंडर SASEC प्रोग्राम बाय द ADB. ओके, तो दैट इज देयर. नेक्स्ट क्या है, ECOWAS, दैट इज द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स. ECOWAS क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर तीनों कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया है ECOWAS से. क्यों किया है, बिकॉज देयर वाज अ कू देयर, ऑल दीज कंट्रीज हैड अ कू, दैट इज तख्ता पलट हुआ है. एंड द मिलिट्री लीडर्स हु हैव कम टू पावर, दे हैव बेसिकली सेड कि ECOWAS में जो भी लीडर्स हैं दे आर ऑल पपेट्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, तो इसी वजह से दे हैव वॉक्ड आउट ऑफ ECOWAS. कहाँ पे है ECOWAS का हेडक्वार्टर्स, इट्स इन नाइजीरिया. रीजनल ग्रुप ऑफ 15 मेंबर्स एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975 थ्रू द ट्रीटी ऑफ लागोस. अदर मेंबर्स क्या है आपके, बेनिन, काबो वर्द, कोत द्वार, गैम्बिया, घाना, गिनी बिसुआ,
लिबेरिया, नाइजीरिया, सियेरा लियोन, सेनेगल एंड टोगो. एम क्या है? प्रोमोट कोऑपरेशन इंटीग्रेशन लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक यूनियन इन वेस्ट अफ्रीका. वेस्ट अफ्रीका इज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. वहाँ पे कॉलोनियलिज्म का जो नया रूप है, न्यू कॉलोनियलिज्म, हैपन्स थ्रू वैरायटी ऑफ वेज. एंड जो एग्जिस्टिंग डिक्टेटर्स हैं वहाँ पे, दे आर ऑल पपेट्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. इसी वजह से जब मिलिट्री हैज कम टू पावर थ्रू द मिलिट्री कूज, दे हैव एक्चुअली रिजेक्टेड द प्रीवियस डिक्टेटर्स एंड दे हैव सेड कि भाई यहाँ पे और यूरोपियन कंट्रीज का प्लेग्राउंड नहीं रहेगा, दे विल नॉट एक्सप्लॉयट आवर रिसोर्सेज. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई दे हैव वॉक्ड आउट ऑफ इकोवास. इवन अदर कंट्रीज हैव क्रिटिसाइज देम, बट देयर आर्ग्यूमेंट इज कि भाई कितना क्रिटिसाइज करना है कर लो, हमें नहीं रहना है यहाँ पे. ओके, वी मूव टू द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. क्यों था न्यूज़ में? अगेन, इंडिया अटेंडेड द 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव विच वॉज हेल्ड इन मॉरिशियस. मॉरिशियस में हुआ था कोलंबो. आई नो इट्स इन श्रीलंका, बट मीटिंग हुआ था मॉरिशियस में. क्या हुआ है इसमें? सो देयर वाज अ रोड मैप ऑफ एक्टिविटीज फॉर 2024 इन द फेस ऑफ ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग हाइब्रिड चैलेंजेस. सो ट्रेडिशनल तो हो गया आपका जो मिलिट्री वाले चैलेंजेस होती हैं, जैसे पायरेसी हो गया, अटैक्स हो गए, वो आपकी ट्रेडिशनल हो गया. नॉन ट्रेडिशनल अगर देखा जाए, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. देयर इज नथिंग मिलिट्री रिलेटेड टू इट. इट इज़ ईदर नॉन स्टेट एक्टर्स, और it could even be related to blue economy, or it could be relating to illegal mining. कई सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी इमर्ज हो रही हैं यहाँ पे. सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव सेड कि इंडियन ओशन रीजन में दे आर गोइंग टॉक अबाउट ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल. एंड हाइब्रिड चैलेंजेस क्या होने वाला है? हाइब्रिड चैलेंजेस an attack which is traditional military attack kar raha hai, but there is also a natural disaster related to it, right? So there could be, let's say, a Chinese artificial island being created which is going to lead to an environmental issue also, which is basically multiple reasons ho sakta hai. Isse hybrid challenge kaha jata hai. So इसमें ये बात की गई है कि भैया सिर्फ ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल पे नहीं फोकस करेंगे, हाइब्रिड पे भी फोकस करेंगे, जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल साथ में आ सकता है. ठीक है, उसके अलावा लॉन्च ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज पोर्टल किया गया है. ये पोर्टल क्या करने वाला है? इट्स गोइंग टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ ओशनोग्राफिक इंफॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी. अब CSC, इट्स बेसिकली ट्राइलैटरल ग्रुपिंग इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में. एंड लेटर मॉरिशियस ऑल्सो ज्वाइंट, एंड बांग्लादेश एंड सेशल्स आर ऑब्जर्वर कंट्रीज. सो कौन से मेंबर्स हैं आपके? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशियस, क्योंकि मॉरिशियस में इस बार मीटिंग हुई है, राइट? सो फोर कंट्रीज एंड बांग्लादेश एंड सेशल्स आर ऑब्जर्वर कंट्रीज. कहाँ पे इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है? कोलंबो में है, विच इज इन श्रीलंका. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. आते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क. क्या है ये? GCTF. बेसिकली US, इंडिया और ताइवान ने, तीन कंट्रीज ने साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप किया है, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क बोल के. अब ये जो GCTF है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय US एंड ताइवान इन 2015 एज अ प्लेटफॉर्म टू यूटिलाइज ताइवान स्ट्रेंथ. क्या है ताइवान का स्ट्रेंथ? सेमीकंडक्टर्स, राइट? सो उसको स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने के लिए, ग्लोबल इश्यूज को डील करने के लिए दे एक्चुअली केम टुगेदर. धीरे धीरे इट ऑल वेंट ऑन टू पब्लिक हेल्थ, सप्लाई चेन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजिटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दिस, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी. अब कौन है इसके फुल मेंबर्स? ताइवान है, US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है. इंडिया इज नॉट अ मेंबर, बट इंडिया के साथ देयर वॉज अ साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप. नाउ ऑस्ट्रेलिया, जापान, US एंड इंडिया, विच इज़ दी मिनी लैटरल, राइट? अब ताइवान का प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ओपनली डजेंट हैव अ डिप्लोमैटिक रिलेशन. इसी वजह से यू कैन हैव वर्कशॉप्स, बट यू कैन नॉट हैव अ पॉलिटिकल अ मिनी लैटरल विथ ताइवान. इट्स गोइंग टू गो अगेंस्ट दी व्हाट पॉलिसी ऑफ चाइना? वन चाइना पॉलिसी. इसी वजह से इंडिया कैन नॉट ओपनली बी पार्ट ऑफ GCTF. इट कैन
पार्टिसिपेट इन अ वर्कशॉप. सो GCTF में कौन कौन है आपका? ताइवान, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया. इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप. ओके, क्वाड. क्वाड बड़ा इंटरेस्टिंग था. एवरीबडी थॉट कि लास्ट ईयर कुछ हुआ नहीं था, बट देर वॉज अ क्वाड एक्ट जिसके अंडर को बेसिकली बोला गया कि स्ट्रेंथन किया जाएगा. तो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने फाइनली पास कर दिया है द स्ट्रेंथन US ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कोऑपरेशन और स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट. क्या है एक्ट? The act aims to strengthen joint cooperation between Quad's four members to promote a free, open, inclusive, resilient and healthy Indo-Pacific. Now, under the act, क्या क्या है? Quad intra-parliamentary working group होगा, established to facilitate closer cooperation between US, Australia, India and Japan. चारों कंट्रीज जो क्वाड के मेंबर्स हैं उसमें क्लोजर कोऑपरेशन रहेगा एज एन इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप. उसके बाद देयर विल बी गाइडलाइंस फॉर एनुअल मीटिंग्स एंड ग्रुप लीडरशिप. US सेक्रेटरी स्टेट ने यह भी कहा है दैट इट्स गोइंग टू सबमिट अ स्टेटस अपडेट ऑन क्वाड एक्टिविटीज एंड अ स्ट्रैटेजी फॉर बोल्स्टरिंग कोऑपरेशन ऑन इश्यूज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक, co-developing new innovative technologies and deepening economic engagement and integration. So under the Quad Act, ये तीन चीज़ US House of Representatives ने पास कर दिया है. Okay? Now, उसके अलावा Commonwealth was also in news. 2024 will mark 75 years of the modern Commonwealth. Modern Commonwealth क्या है? क्योंकि पहले क्या हुआ था जब Britain somewhere 1926 क्या होता है कि there was a meeting जहाँ पे लंदन में होता है मीटिंग और वहाँ पे कई सारे कंट्रीज जिनको डोमिनियन स्टेटस दिया था ग्रेट ब्रिटेन ने, दे केम एंड दे सेड दैट दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ. तो उस समय पे लंदन ने कहा था या ग्रेट ब्रिटेन ने कहा था कि ठीक है बट वी विल नॉट चेंज द स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस नहीं चेंज करेंगे. तो वंस वर्ल्ड वॉर टू हैपन्स एंड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज बिकम इंडिपेंडेंट, दे अगेन कम बैक एंड से दैट वी विल कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ द मॉडर्न कॉमनवेल्थ. सो बेसिकली द अर्स्ट वाइल्ड कॉलोनीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो पहले ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ. इफ यू रिमेंबर इंडिया ऑल्सो होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट? तो कॉमनवेल्थ जो है वो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ अर्स्ट वाइल्ड कॉलोनीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. सो मॉडर्न कॉमनवेल्थ का 75 ईयर्स होने वाला है 2024 में. सो इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज, मोस्ट ऑफ विच आर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज. दे आर कोलाबोरेटिंग ऑन वॉट? डेमोक्रेसी, ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज. पहले सिर्फ 8 कंट्रीज थे, अभी 56 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया आर द करंट स्ट्रेंथ. ठीक है, सो कॉमनवेल्थ इसलिए अगेन 2024 में न्यूज में था. उसके बाद आते हैं IPF में. IPF में क्या हुआ है? द थर्ड इंडो पैसिफिक IPF मिनिस्टीरियल मीटिंग वॉज हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को. अब IPF वॉज लॉन्च्ड इन 2022 एट टोक्यो. क्यों किया गया था? कि भाई रिलेशनशिप्स बनाया जाएगा और इंगेजमेंट किया जाएगा क्रूशियल इकोनॉमिक एंड ट्रेड मैटर्स दैट कंसर्न द रीजन में. कौन है मेंबर्स? 14 मेंबर्स हैं. 14 मेंबर्स US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. सिग्निफिकेंस इज सप्लाई चेन रेजिलियंस, फॉस्टरिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना एंड फैसिलिटेटिंग डीपर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स. अब वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज IPF के चार पिलर्स हैं. एक है आपका ट्रेड पिलर, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी. अब इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पिलर, इट इज मेंबर्स ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी. सो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पिलर. सो देर आर फोर पिलर्स, उसमें से इंडिया सिर्फ 2, 3, 4 का मेंबर है, नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन. ठीक है, दैट इज अबाउट IPF. We come to IMO now. अब I know last year IMO पे question आ चुका है GS2 में, but तभी भी certain basic things you would still need to remember, क्योंकि IMO भी news में था. क्यों था IMO में news? India has been re-elected to the IMO Council with the highest tally at the elections for 2024 to 2025. ठीक है, तो re-election हुआ है इंडिया का. It is a specialized agency of UN, London headquarters, promotes safe, secure, environmentally sound, efficient, sustainable shipping through cooperation. Members 176 members हैं and 3 associate members हैं. structure में देखा जाए तो assembly, council and 5 main committees हैं. अब
लास्ट ईयर का जो GS2 में क्वेश्चन आया था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए IMO का क्या रोल है, तो व्हाट आई हैव डन इज बेसिकली जस्ट गिवन द बेसिक थिंग्स व्हाट इज देयर. इसमें से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट. बट उससे पहले लेट मी जस्ट गो ओवर इट क्विकली. सो वन इज IMO's मारपोल कन्वेंशन, ठीक है. इट्स अ की ट्रीटी टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज पॉल्यूशन फ्रॉम शिपिंग. सो बेसिकली ओल्ड शिप्स, रस्टेड शिप्स से काफ़ी पॉल्यूशन होता है, जिसके विच इज़ वेयर IMO का जो मारपोल कन्वेंशन है, दैट इज वॉट इट इज़ फाइटिंग, कि भाई मूव टूवर्ड्स न्यूअर एंड स्मार्टर शिपिंग, जहाँ पे GPS यूज होता है. देन यू हैव द पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया, दैट इज IMO ने कुछ कुछ एरियाज को सेंसिटिव सी एरिया बोला है फॉर प्रोटेक्शन. The London Dumping Convention and Protocol, that is Sea Waste Dumping, Climate Change Mitigation, Carbon Capture and Storage पे ये convention है. Then you have the IMO 2020 rule, which is where a new lower limit on the sulfur content in fuel oil, which is going to be used for shipping, उस पर implement किया गया है. Then you also have the Energy Efficiency Existing Ship Index. Now, ICSI जो है 2023 से ये mandatory बना दिया गया है for all ships टू कैलकुलेट कि उनका एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, राइट. सो दिस इज नाउ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट IMO इज डूइंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें, तो देयर इज ऑलरेडी द SOLAS 1974 जो स्टैंडर्ड्स फॉर शिप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन की बात करता है, ताकि सेफ्टी ऑफ लाइफ बनी रहे सी में. बट वॉट आई सेड वॉज इम्पॉर्टेंट इज जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट. ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली वेस्टर्न इंडियन ओशन. अगेन वेस्टर्न इंडियन ओशन इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स द लिटरल स्टेट्स ऑफ अफ्रीका के साइड पे. हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दैट इज पायरेसी को लेके ये बात कर रहा है. प्रिवेंट्स पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी. इसका एक अमेंडमेंट हुआ था, जेडा अमेंडमेंट. सो जेडा अमेंडमेंट हैज हैपन टू द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से पायरेसी से डील किया जा सकता है, पायरेसी को रोका जा सकता है. सो मोस्ट ऑफ दीज ऑपरेशन जो चल रही हैं, चाहे वो ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर हो, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन हो, दे हैव टू फॉलो द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट टू डील विद पायरेसी, ठीक है. सो इट्स बेसिकली टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हो रहा है, या मैरीटाइम टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कुछ भी हो रहा है, द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट विल कम इनटू पिक्चर, हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स. अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, IMO's मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी एंड फैसिलिटेशन कमिटी, विच कोऑपरेट्स टू प्रिवेंट ड्रग स्मगलिंग ऑन इंटरनेशनल शिप, ठीक है. सो दिस इज अबाउट मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. G7, तो G7 वॉज ऑल्सो इन न्यूज बिकॉज 49th समिट टुक प्लेस इन जापान, जहां पे इंडिया अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एक्सेट्रा वेर इन्वाइटेड. इंडिया का हमेशा से G7 में इन्विटेशन रहता है, चाइना का नहीं रहता है, ठीक है. सो पहले ये G8 था, क्योंकि G8 में रशिया था, बट 2014 में उसको निकाल दिया जाता है. क्यों? बिकॉज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, right? So that is the reason why it becomes G7. It meets annually to discuss about economic governance, international security, energy policies and other things. Kaun hai members? Canada, Japan, UK, US, France, Germany and Italy. So these are the members of G7. Now, under Japan's presidency, there is a new partnership, that is Partnership for Rice, Resilient and Inclusive Supply Chain Enhancement. ये जो supply chain चल रहा है ना, ये काफ़ी buzz में है after the pandemic. Pandemic में झटका लगा है countries को, they have all started talking about supply chain. So G7 is also talking about a resilient and inclusive supply chain enhancement, which is going to be an initiative of whom? World Bank and G7. ठीक है, इट्स अ 40 million USD पार्टनरशिप टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स. बेसिकली जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको हेल्प किया जाएगा अंडर रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट प्रोग्राम. ओके, उसके अलावा GCC पे आते हैं. क्यों था न्यूज पे? द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, दैट इज इंडियन मिनिस्ट्री, रिकमेंडेड अ लीगल असिस्टेंस टू ऑल इंडियन नेशनल्स जो GCC कंट्रीज में इम्प्रिजेंट हैं. सो एनी इंडियन नेशनल जो इज इन द GCC कंट्रीज के प्रिजन में, उनको लीगल असिस्टेंस देने के लिए दिस वॉज टॉक्ड अबाउट एंड द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी अप्रूव्ड इट. ओके, GCC क्या है? बेसिकली 6 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? रियाद, सऊदी अरेबिया, ठीक है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो. ओके, मूविंग ऑन,
नेटो, नेटो तो न्यूज़ में था ही पूरा लास्ट ईयर था, क्योंकि विलिनुआ में जो समिट हुआ था वहाँ पे कहा गया था कि यूक्रेन का मेंबरशिप होगा, पर यूक्रेन का मेंबरशिप हुआ नहीं. एंड आई हैव कवर्ड दिस इन अग्रीमेंट्स इन न्यूज़, सो यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो एंड चेक. वहाँ पे मैंने पूरा ये समिट को कवर किया है कि क्या क्या हुआ था उस समिट में. अपार्ट फ्रॉम दैट, फिनलैंड एंड स्वीडन बिकेम मेंबर्स ऑफ नेटो. ठीक है, तो अब 31st एंड 32nd मेंबर्स हो चुके थे. अब फिनलैंड एंड स्वीडन का जो मेंबरशिप था वो हंगरी एंड टर्की ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिया था, इसी वजह से इट कुड नॉट हैपन इन 2023-2024 में हो जाता है जब टर्की एंड हंगरी टेक्स बैक देयर रिजर्वेशन. सो एज अ मेंबर ऑफ द अलायंस नाउ, नाउ दैट दे हैव बिकम मेंबर्स ऑफ नेटो, दे आर यू नो eligible to use Article 5 of the NATO, that is North Atlantic Treaty के अंडर पे. क्या है ये Article 5? Article 5 is basically collective defense, which basically means अगर आपने एक country को attack किया है, then the entire organization is going to go against you. So if you attack one ally, it's considered as an attack against all allies. But Article 5 सिर्फ एक ही बार invoke हुआ है, that is 9/11 के बाद US ने invoke किया था, जब वो global war on terror declare करता है. So Article 5 talks about collective defense, wherein it is talking about if you attack one ally, it is an attack against the entire organization. एक ही बार हुआ है 9/11 के बाद. कहाँ पे है इसका headquarters? Brussels, Belgium में है. कितने members हैं? 32. 30 European हैं and 2 North American, that's US and Canada. EU members that are not part of the NATO, कौन से countries which are not part of the NATO are Austria, Cyprus, Ireland and Malta. ठीक है, Austria, Cyprus, Ireland and Malta. Continuing NATO, NATO के कई partnerships हैं. ठीक है, तो it has multiple partnerships with non-member countries. एक है आपका partnership for peace, okay, जिसमें 18 partner countries है including Russia. And now, because of the Russia-Ukraine crisis, this partnership for peace has gone. Okay? Now, what has happened instead is, जो Russia और Belarus का membership है, this partnership for peace, उनको suspend कर दिया गया है. But apart from that, there has been no breakthrough also for this partnership for peace. कहा गया था कि ये mediate कर पाएगा Russia-Ukraine के बीच में, but नहीं कर पाया था. इसी वजह से it has got, इट इज़ नॉट गॉट सस्पेंडेड, कोई मतलब कोई मेजर मीटिंग्स नहीं हुई हैं यहाँ पे. दूसरा है आपका मेडिटेरेनियन डायलॉग, विच बेसिकली आर फॉर मेडिटेरेनियन रीजन में जो कंट्रीज हैं उनके साथ. उसके बाद है आपका इस्तानबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, जो है आपके मिडिल ईस्ट रीजन GCC कंट्रीज उनके साथ. एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे UN, EU, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इनके साथ कोऑपरेट करता है नेटो. उसके अलावा देर आर अदर कंट्रीज दैट हैव गॉट द मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस, मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस. अब कौन है? 18 कंट्रीज हैव बीन डेजिग्नेटेड एज मेजर नॉन नेटो अलाई, विच इंक्लूड्स ब्राज़ील, इजिप्ट, इजराइल, जापान, पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड. इंडिया को नहीं दिया गया है. ठीक है, सो इंडिया इज नॉट अ मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस. व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज नॉट? इज इट बिकॉज इट हैज नॉट बीन ऑफर्ड टू इंडिया, और इज इट बिकॉज इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड? इंडिया हैज नेवर बीन इंटरेस्टेड इन अ मिलिट्री अलायंस. अगर ऑफर भी किया जाएगा, इंडिया विल नॉट टेक इट, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज केप्ट इटसेल्फ अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस. इवन क्वाड को जब सिक्योरिटी डायलॉग बोला गया था, इंडिया ने सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखाया था, कहा था कि सिक्योरिटी के बाद में नहीं, इट हैज टू बी all encompassing. So it is not member of the non-NATO ally status. Uske alawa NATO plus 5. What is NATO plus 5? It is basically Australia, New Zealand, South Korea, Japan and Israel. These countries are called NATO plus 5. Ye 2019 mein form kiya gaya tha. And basically it's a defense cooperation. Jitna challenge China karega, utna in sab countries ke saath dosti hogi. So Australia, New Zealand, South Korea, Japan and Israel. So these are NATO plus 5 countries. You will not find India anywhere in this. NATO aata hi India chala jayega wahan se. Okay, next we are going to talk about FATF, that is the Financial Action Task Force. Kyun news mein tha? The FATF team actually visited India last year. And
उस समय पे कंट्री का इवैल्यूएशन होना है कि एफएटीएफ में कौन से लिस्ट में आएगा, एंड जो फाइनल रिव्यू होगा वो 2024 जून महीने में होने वाला है. ठीक है, सो इट्स अ म्यूचुअल इवैल्यूएशन. दे आर गोइंग टू कम, दे आर गोइंग टू विजिट, दे आर गोइंग टू सी, बेसिकली ऑडिट करते हैं कि भाई अगर कोई पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया जा रहा है. ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली ऑडिटेड. सो दैट इज वॉट इज गोइंग टू बी डन बाई एफएटीएफ. इट इज एस्टैब्लिश्ड बाई द G7 समिट. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पैरिस में है. 37 मेंबर्स हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग इंडिया. एंड यहाँ पे आपके दो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, एक है आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक है काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग. सो यू ऑलरेडी नो देर आर टू मेजर लिस्ट, एक है ग्रे लिस्ट एंड एक है ब्लैक लिस्ट. पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था पर अभी नहीं है. एंड ब्लैक लिस्ट में अगर देखा जाए तो लार्जली नॉर्थ कोरिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट इज देयर, इंक्लूडिंग ऑल्सो ईरान इज देयर इन द ब्लैक लिस्ट. ठीक है, सो एफएटीएफ के लिस्ट ब्लैक लिस्ट में ज़्यादा कंट्रीज नहीं है, बट ग्रे लिस्ट में अगर देखा जाए तो कंट्रीज आती जाती रहती हैं. अभी पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ द ग्रे लिस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वी कम टू आयोरा, दैट्स इंडियन ओशन फॉर रिम एसोसिएशन. ना आयोरा का जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग था, इट वॉज हेल्ड इन कोलंबो. आयोरा वॉज एस्टैब्लिश इन 1997. इट इज बेसिकली टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन. कहाँ कितने मेंबर्स हैं? 23 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है, वी मूव ऑन टू फिपिक. फिपिक तो अगेन आई हैव कवर्ड इट अगेन एज अ पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट्स एज वेल एज प्लेसेज इन न्यूज़ में, क्योंकि पैसिफिक आइलैंड्स हैव बीन इन न्यूज़ थ्रू आउट द लास्ट ईयर. सो थर्ड फोरम फॉर फिपिक टुक प्लेस इन पोर्ट मोरेस्बी, दैट इज द पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल. इंडिया अनाउंस्ड 12-पॉइंट डेवलपमेंट प्लान. ना फिपिक जो है वो 2014 में लॉन्च होता है, उसमें 14 आइलैंड कंट्रीज हैं. एंड नाउ वॉट इज इंडिया इज कंसिडरिंग कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक्सपैंड किया जाए, और पर्टिकुलरली जो उसका स्टार सी इनिशिएटिव है. वॉट इज स्टार सी इनिशिएटिव? विच इज अ सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर. इस इनिशिएटिव को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में लेके जाया जाए, जहाँ पे ये स्टार सी सेंटर्स बनाए जाए एज हब ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑन सोलर एनर्जी. ठीक है, सो दिस इज समथिंग इंडिया हैज बीन बेसिकली कंटेम्पलेटिंग एंड इज प्लानिंग कि इसको दैट स्टार सी इनिशिएटिव ऑफ ISA को पैसिफिक कंट्रीज में लेके जाया जाए. सो दैट इज फिपिक. मूविंग ऑन, वी कम टू द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. ना ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का 8th मीटिंग हुआ था इन द रशियन पोर्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्तोक. एंड इफ यू रिमेंबर व्लादिवोस्तोक, तो देर हैज बीन अ चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर दैट हैज बीन इन टॉक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, काफी दिन से ये पेंडिंग है. इट वॉज सपोज टू बी बिल्ट, जहां से चेन्नई से व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक कनेक्टिविटी बनाया जाएगा. द EEF वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015. अब ये जो EEF है वो बेसिकली फार ईस्ट रीजन, जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है उसके लिए है, बिकॉज इट वॉन्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज टू डेवलप दैट एरिया. तो कई कंट्रीज विच हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड. चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द रीजन, फॉलोड बाई साउथ कोरिया एंड जापान. ठीक है, तो मेजर जो है ऑफकोर्स चाइना का है, नेबर. सो चाइना इज गोइंग टू इन्वेस्ट, एंड डेट ट्रैप में रशिया ऑलरेडी फंस चुका है. सो चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर. काफ़ी रिच एरिया है, रिसोर्स रिच एरिया है. सो यू कैन अंडरस्टैंड वाई चाइना इज इंटरेस्टेड. ओके, मूविंग ऑन, वी कम टू पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक. नाउ रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव वॉज हेल्ड. 5 कंट्री का ये मीटिंग है. कौन कौन है? US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK एंड जापान. ये 2022 में फॉर्म हुआ था और उसका मीटिंग रिसेंटली हुआ था, ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव. ठीक है, सो वॉट इज बेसिकली ऑल अबाउट? इट इज बेसिकली जो पैसिफिक आइलैंड्स को सपोर्ट किया जाए. इट्स ऑल बेसिकली टू काउंटर चाइना. इफ़ यू जस्ट टेक अ लुक एट इट, ये सब कुछ चाइना के काउंटर करने के लिए है. क्योंकि इफ़ यू लुक एट सर्टन कंट्रीज सच एज सोलोमन आइलैंड, वो ऑलरेडी चाइना के साथ इट हैज़ गॉन अहेड एंड साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट, जहाँ पे चाइना ने ये अश्योर किया कि अगर कोई भी सोशल डिस्टर्बेंस होगा सोलोमन आइलैंड में, तो इट इज गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू कम टू एड ऑफ द सोलोमन आइलैंड्स. एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव द वनुआटू आइलैंड एज वेल एज तुवालू आइलैंड, जिन्होंने साइन किया है विद ऑस्ट्रेलिया. सो वहाँ पे ऑलरेडी ग्रेट गेम चलने लगा है. एंड दिस इज द रीजन वाई पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक हैव बीन फॉर्म, ताकि चाइना का एक्सपेंशन यहाँ पे ना हो, दैट इज द पैसिफिक आइलैंड के पास ना हो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी गोइंग टॉक अबाउट द G77. नाउ G77 का मीटिंग हुआ था, दैट इज G77+ चाइना समिट हैपेंड इन क्यूबा. नाउ ये क्या है? इट इज़ बेसिकली टू वर्क
एज अ ग्रुप, जहाँ पे चाइना भी इंक्लूडेड रहेगा, एंड इट इज ऑल डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, सो अगेन अनदर डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुपिंग है. नाउ दिस इज द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ टू आर्टिकुलेट एंड प्रमोट देयर कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड इन्हांस देयर जॉइंट नेगोशिएटिंग capacity within the UN system. तो UN में साथ में आने के लिए, ग्लोबल साउथ का एक ग्रुप होने के लिए ये G77 है. इट्स अ ह्यूज ग्रुपिंग, बट इट इज स्टिल अगेन एज आई सेड कई चीज़ों के लिए ग्रुपिंग बन रही है. जैसे L69 की अगर हमने बात की थी, G77 वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, कई सारे ऐसे ग्रुपिंग्स हो रही हैं, बट दीज आर ऑल एजेंडा ड्रिवन ग्रुपिंग्स. तो G77 इज टू कम टुगेदर एज अ निगोशिएटिंग ब्लॉक एट द UN. ठीक है, सो दिस इज G77 मीटिंग कहाँ पे हुई थी, क्यूबा में हुई थी. ओके, मूविंग ऑन G24 इज अगेन अ ग्रुप ऑफ द डेवलपिंग नेशंस. ये G77 का ही एक पार्ट है, एंड इट इज़ अगेन फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स. ठीक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिफॉर्म्स के लिए अगेन एजेंडा ये है इनका. 28 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया प्लस चाइना. चाइना हमेशा स्पेशल इन्वाइटी रहता है, चाहे वो G77 हो या G24 हो, वो स्पेशल इन्वाइटी है. वो ग्लोबल साउथ कंट्रीज डू नॉट कंसिडर चाइना टू बी अ ग्लोबल साउथ कंट्री, इवन दो चाइना कॉल्स इटसेल्फ अ ग्लोबल साउथ. तो हमेशा स्पेशल इन्वाइटी रहता है, इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इधर G24 और G77. ठीक है, सो इंडिया इज अ मेंबर. कहाँ पे है ये, सेक्रेटेरिएट वॉशिंगटन डी सी इन द IMF हेडक्वार्टर्स. एजेंडा क्या है, इट इज़ फॉर द रिफॉर्म्स ऑन MDBs. G77 का क्या है, रिफॉर्म्स, या कोई भी एजेंडा ऑफ द डेवलपिंग स्टेट्स या ग्लोबल साउथ का एज अ ब्लॉक दे वॉन्ट टू पोर्ट्रे इन द UN. ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर एजेंडा ड्रिवन. ओके, वी कम टू I2U2 नाउ. इंडिया, इसराइल, US एंड UAE. नाउ इस पे तो यू नो लास्ट दो साल से GS मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, बट यू नेवर नो कि इस बार भी रिपीट होता है कि नहीं प्रीलिम्स में. सो दे हैव अनाउंस्ड अ न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर. एक स्पेस वेंचर के बारे में दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू हेल्प ईच अदर एक यूनिक स्पेस बेस्ड टूल बनाने के लिए, जिसके लिए पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स तीनों ग्रुप्स को हेल्प मिलेगा. I2U2 यू ऑलरेडी नो कि ये 2021 में होता है फॉलोइंग द अब्राहम अकॉर्ड्स. राइट, नाउ कौन से मेंबर्स हैं, इट इज इंडिया, इसराइल, US एंड UAE. ये चार कंट्रीज हैं आपका I2U2 के मेंबर्स. नेक्स्ट वी कम टू ऑकस. नाउ ऑकस क्यों न्यूज में था, दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू जॉइंटली ऑपरेट डीप स्पेस एडवांस्ड रेडार कैपेबिलिटी. डीप स्पेस एडवांस्ड रेडार कैपेबिलिटी दैट इज डार्क. नाउ डार्क विल इन्हांस कलेक्टिव स्पेस डोमेन अवेयरनेस. तो स्पेस डोमेन अवेयरनेस के लिए इट हैज कम टुगेदर टू ऑपरेट वॉट, डीप स्पेस एडवांस्ड रेडार कैपेबिलिटी. नाउ ऑकस इज बेसिकली अ ट्राइलैटरल ग्रुपिंग जो 2021 में फॉर्म किया गया था. कौन है मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US. बेसिकली फॉर्म किया गया है एज अ सिक्योरिटी और अ मिलिट्री अलायंस, जहां पे US एंड UK आर गोइंग टू गिव न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया. बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी देना शुरू कर चुका है. ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली अगेन सपोर्ट सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया. ओके, वी कम टू OPEC नाउ. अगेन OPEC पे हमेशा क्वेश्चन आता है, OPEC और OPEC प्लस का कंपैरिजन को लेके, बट न्यूज़ में क्यों था, अंगोला विड्रू फ्रॉम OPEC. राइट, सो इट बेसिकली सेड इट डज नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ OPEC का जो निगोशिएशन है, इट इज़ बायस्ड एंड इट वॉकड आउट ऑफ इट. OPEC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में है. ऑब्जेक्टिव बेसिकली OPEC का क्या है, पेट्रोलियम पॉलिसीज को यूनिफाई एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए. कौन है मेंबर्स, 12 कंट्रीज हैं मेंबर्स, सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, लिबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, दैट्स DRC एंड वेनेजुएला. नाउ OPEC एंड OPEC प्लस लास्ट ईयर दे ऑल्सो केम टू अ डील. ठीक है, डील में आए थे कि भाई ओवरऑल प्रोडक्शन टारगेट्स को रिड्यूस किया जाएगा ताकि देयर विल बी अ ट्रांजिशन को हेल्प किया जाए. नाउ OPEC प्लस क्या है, इट इज 22 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ऑल OPEC कंट्रीज 12 प्लस 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, अजरबैजान, बहरेन, ब्रुनई, कजाक, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सुदान एंड सुदान. सो दीज आर बेसिकली मेंबर्स ऑफ OPEC प्लस. सो OPEC प्लस इज 12 प्लस 10 22 मेंबर्स. OPEC इज 12 मेंबर्स. सो यू शुड नो
दिस इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इफ़ यू टेक अ लुक एट द जीसीसी कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज में बहरेन एंड ओमान कम इन ओपेक प्लस, बहरेन एंड ओमान कम इन ओपेक प्लस व्हाइल द अदर कम इन ओपेक. सो यू शुड जस्ट, ये सब आपको ग्रुपिंग्स का कॉमन चीज़ें निकाल के यू शुड फिगर दिस आउट. कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड नो कि जीसीसी के कौन से मेंबर्स ओपेक में हैं, कौन से मेंबर्स ओपेक प्लस में हैं. ठीक है, सो अगेन दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ओपेक कंट्रीज एंड ओपेक प्लस कंट्रीज. ओके, वी कम टू पेरिस क्लब. पेरिस क्लब तो न्यूज में था, अर्जेंटीना के साथ भी न्यूज में था, प्लस श्रीलंका के साथ भी. सो न्यूज विच कंसर्न्स अस इज दैट श्रीलंका हैज कम टू एन अग्रीमेंट विद द पेरिस क्लब फॉर डेट, कि इस तरीके से डेट को वापस किया जाएगा. तो इसी वजह से इन कंट्रीज के साथ मीटिंग हुई है. अब ये वर्ड पेरिस क्लब क्यों है, क्योंकि पहली बार जब अर्जेंटीना ने इन कंट्रीज से डेट लिया था, लोन लिया था, वो एक्चुअली पेरिस में मिले थे, इसी वजह से उसको पेरिस क्लब बोला जाता है. व्हेन अर्जेंटीना अग्री टू मीट इट्स पब्लिक क्रेडिटर्स, इट्स बेसिकली एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट इज डेट रिलीफ सोल्यूशन दिया जाएगा जो बायलैटरल लोन्स को नहीं रीपे कर पा रहे हैं. India and China are not its members, ठीक है, and India acts as an ad hoc participant, कभी कभी ad hoc participant होता है, but it is not a member of the Paris Club, even China is not. कौन से members हैं, so I have got the list of countries which are members of the Paris Club, you can take a look at it. India, China नहीं है इसमें. Okay, next we come to APEC. APEC क्यों news में था, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन, सैन फ्रांसिस्को मीटिंग थी. सो 30th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक लीडर समिट जो हुआ था 2023 में सैन फ्रांसिस्को यूएस में हुआ था, विच विद द अडॉप्शन ऑफ द गोल्डन गेट डिक्लेरेशन. अब कौन से मेंबर्स हैं, इट्स ऑल रिटन हियर. गोल्डन गेट डिक्लेरेशन में क्या हुआ है, इट हैज बेसिकली टॉक्ड अबाउट जो प्रीवियस एपेक वर्क था और की एरियाज पे काम था, जैसे कि रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंटरकनेक्शन, इनोवेशन एंड इंक्लूजन, उस पे ये गोल्डन गेट डिक्लेरेशन काम करने वाला है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर वाज अ टॉक अबाउट द सैन फ्रांसिस्को प्रिंसिपल्स. ये बेसिकली प्रिंसिपल्स जो होंगे वो फोकस करेगा इंटीग्रेटिंग इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इनटू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. आई हैव अगेन कवर्ड द गोल्डन गेट डिक्लेरेशन इन अग्रीमेंट्स इन न्यूज. ठीक है, ये अग्रीमेंट्स इन न्यूज में मैंने कवर करके रख दिया है. एंड आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एपेक में इंडिया इज नॉट अ मेंबर, चाइना ने रेजिस्टेंस दिखाया है तो हम नहीं है मेंबर एपेक में. सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि एपेक के मेंबर्स कौन है और नहीं है. ठीक है, सो दिस हैज बीन, एपेक वॉज ऑल्सो इन न्यूज. चलिए इसी के साथ ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन इन न्यूज एंड समवेयर इट हैज बीन इन बज, अगेन मैं बार बार बोलती हूँ बज में था, दैट आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो. अगेन मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड लिसन टू द वीडियो एट लीस्ट ट्वाइस ताकि ये रिटेंशन हो जाए, आपको रिमेंबर में हेल्प करें. विद दिस वी कम टू एन एंड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड एक लास्ट फेवर आप सभी से, अगर कोई और यू वॉन्ट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा मैराथन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि और क्या आपको चाहिए होगा. जैसे अगर आपको जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे चाहिए या कोई और IR रिलेटेड या इवन गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड कुछ आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वॉट एल्स यू वुड वॉन्ट मी टू कम इन सच अ वीडियो फॉर्मैट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे, आई विल सी यू सून. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.